Good morning, everyone. Continuing with our next type of question, preparation of income and expenditure account from trial balance and adjustments. अभी तक हमने जो दो questions cover किए, तीन questions cover किए, वो किस चीज़ से related थे कि आप income and expenditure account बना रहे हैं, balance sheet बना रहे हैं, receipts and payment account से. अब जो हमारे type of question है, that is आप income and expenditure account बना रहे हैं, trial balance and adjustments से. जब आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स गिवन हो क्वेश्चन में और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स, तो रूल्स वही फॉलो होंगे कि जो भी आपकी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड आइटम्स हैं उनको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, और अदर जो आपकी पर्सनल एंड रियल अकाउंट से रिलेटेड आइटम्स हैं उनको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे. तो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं इसकी. इलस्ट्रेशन नंबर 13. From the following trial balance and information, prepare the income and expenditure account for the year ended 31st December 2009 and balance sheet as on that date. तो ये items हमें given है. नीचे information जो given है adjustments के लिए, that is depreciation is to be provided at 20% per annum on furniture and at 10% at sports table. Salaries of 225 rupees are outstanding. Subscription of 450 rupees is outstanding and it was received in advance to the extent of 150 rupees for the next year. Entrance fees is to be capitalized. Question में already लिख दिया है कि entrance fees is to be capitalized, मतलब इसे हमने balance sheet में show करना है. तो income and expenditure account का हमने format बनाया, balance sheet का हमने format बनाया. तो items हम देखते हैं. Furniture. Furniture क्या है? आपका asset है. तो आपने balance sheet में फर्नीचर लिख दिया 4000 का. नेक्स्ट है आपका टू, दैट इज रिपेयर्स, रेंट एंड टैक्सेस. तो एक्सपेंडिचर में टू रिपेयर, टू रेंट एंड टैक्सेस. देन एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. सैलरीज एंड वेजेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. स्पोर्ट्स टेबल आपने लिया, जो स्पोर्ट्स टेबल है वो आपका एसेट है. तो हम स्पोर्ट्स टेबल यहाँ पे हमने शो कर दिया 1550 का. देन नेक्स्ट जो आइटम है दैट इज फ्यूल एंड लाइट मिसलेनियस एक्सपेंसेस. तो फ्यूल एंड लाइट मिसलेनियस एक्सपेंसेस. कॉस्ट ऑफ डिनर, डिनर एक्सपेंसेस आ जाएगा आपका. देन कैश इन हैंड एट बैंक, और ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड एट बैंक. देन नेक्स्ट आइटम डेप्टर्स, ये भी बैलेंस शीट में हम शो करेंगे डेप्टर्स की आइटम. देन नेक्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन हमने लिखा 12,000 का. सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ टिकट आपका नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का है, तो बाय सेल ऑफ टिकट्स हो गया. देन एंट्रेंस फीस, जैसे पहले ऑलरेडी बोला हुआ है कि कैपिटलाइज करना है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा. तो यहाँ पे हमने लिखा एंट्रेंस फीस, इसे कैपिटलाइज करना है हमने, ये कैपिटल फंड में हमने एंट्रेंस फीस को ऐड कर. देन नेक्स्ट आइटम जो हमारा गिवन है दैट इज सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का है, तो बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स. देन क्रेडिटर्स आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हमने शो कर दिए क्रेडिटर्स. देन आपका कैपिटल फंड, कैपिटल फंड को हमने बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में शो कर दिया. देन नेक्स्ट जो हमें नीचे गिवन है दैट इज डेप्रिशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 20% ऑन फर्नीचर एंड 10% एट स्पोर्ट्स टेबल. तो डेप्रिशिएशन फर्नीचर के ऊपर, स्पोर्ट्स टेबल के ऊपर, और बैलेंस शीट में ये माइनस हो जाएगा डेप्रिशिएशन फर्नीचर का और स्पोर्ट्स टेबल का. देन सैलरीज 225 आउटस्टैंडिंग. तो सैलरीज में हमने एक्सपेंडिचर साइड पर सैलरीज एंड वेजेस में ऐड कर दिया, और यही आउटस्टैंडिंग हमने लायबिलिटी साइड पर शो कर दी. देन सब्सक्रिप्शन और 450 इज आउटस्टैंडिंग एंड इट वॉज रिसीव्ड इन एडवांस टू द एक्सटेंड ऑफ 150 रुपीज़. मतलब 450 में से जो 150 है वो आपकी एडवांस है. तो सब्सक्रिप्शन और 450 इज आउटस्टैंडिंग. तो 450 की जो सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में हमने ऐड कर दिया. एंड इट वॉज रिसीव्ड इन एडवांस टू द एक्सटेंड ऑफ 150, मतलब जो सब्सक्रिप्शन है वो 150 रुपीज़ की आपको एडवांस में मिली हुई है. तो लेस रिसीव्ड इन एडवांस 150. अब इसको हमने कहाँ पे भी शो करना है, बैलेंस शीट में भी. तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 450 और जो एडवांस है वो हमारी लायबिलिटी हो गई. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 150. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कि ट्रायल बैलेंस से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हम
करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब इसमें एक चीज़ हम उल्टा चल रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें दिखाते हैं, जबकि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें हम किसी भी ईयर की दिखा सकते हैं और रेवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों की दिखाते हैं। तो मतलब जो चीज़ हमें सिर्फ ध्यान रखनी है दैट इज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हुए कि वो आइटम कैश में होनी चाहिए। इसका मतलब कोई भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड की जो भी आइटम्स हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर रखी होंगी उन्हें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो देखते हैं इसे क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। सभी जो भी आपके कैश एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं करंट ईयर में, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हैं चाहे कैपिटल नेचर के हैं जो रिलेट करते हैं चाहे करंट प्रीवियस फ्यूचर ईयर से, उसे हम क्रेडिट साइड पर शो करेंगे, दैट इज़ पेमेंट साइड पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के शो करेंगे। जो फॉर्मूला यूज़ होता है कैश एक्सपेंसेस निकालने के लिए दैट इज़ एक्सपेंडिचर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो हो रहा है उसमें हम प्लस कर देते हैं एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। सेम तरीके से जो रिसिप्ट्स हैं सारी कैश रिसिप्ट्स जो हैं उन्हें निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इनकम जो शो हो रही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसमें हम ऐड करते हैं इनकम आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर प्लस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर माइनस इनकम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब हम उल्टा चल रहे हैं, जो एडजस्टमेंट्स हमने पहले की थी जब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, जिस चीज़ को हम प्लस कर रहे थे उसको हम माइनस कर देंगे और जिस चीज़ को माइनस कर रहे थे उसको हम प्लस कर देंगे। देन आपका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है कैश एंड बैंक बैलेंसेस को उसको हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करना है और फिक्स्ड एसेट एक्चुअली जो आपने परचेज्ड और सोल्ड की है ड्यूरिंग द ईयर उसे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो भी ओपनिंग एसेट होगी उसे हम माइनस करेंगे क्लोजिंग एसेट से या वाइस वर्सा जैसे भी हमें गिवन होगा परचेज और सेल्स निकालने के लिए, और उसके लिए हमें अलग से सेपरेट एसेट अकाउंट आप बना सकते हैं मिसिंग फिगर निकालने के लिए। देन नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को हम एक्सक्लूड करते हैं, इसका मतलब एक्रूड इनकम्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम इग्नोर करेंगे। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ प्रोफेशनल्स क्लब एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2006 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2006। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट को बनाना है। तो हमने फॉर्मेट बनाया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2006 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2006। बैलेंस शीट वही कैपिटल फंड निकालना है हमें, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट्स हमें बनानी पड़ेंगी। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1st January 2006 को भी हमने लिखा है। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या आइटम गिवन है। हमें गिवन है एक्सपेंडिचर साइड पर रेंट, जो चीज़ आपकी एक्सपेंडिचर साइड पर है वो चीज़ जाएगी आपकी पेमेंट साइड्स पर आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और जो चीज़ आपकी गिवन है इनकम मतलब क्रेडिट साइड पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के वो चीज़ जाएगी हमारी रिसिप्ट साइड पर पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स की। तो टू रेंट है तो मतलब पेमेंट साइड पर जाएगा। सैलरीज एंड वेजेस, ऑडिट फीस, जर्नल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें एक चीज़ देखिए इनके रिगार्डिंग हमें जो नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है वो भी एडजस्टमेंट्स करेंगे जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। जिस चीज़ के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन नहीं है उसे तो हम सीधा बाहर के कॉलम में लिख देंगे, लेकिन जिस चीज़ के रिगार्डिंग नीचे एडजस्टमेंट गिवन है उसे हम पहले अंदर के कॉलम में लिखेंगे और उसकी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम उसका जो टोटल होगा बाहर के कॉलम में शिफ्ट करेंगे। तो टू रेंट एंड सैलरीज एंड वेजेस, तो हम नीचे एक बार देख लेते हैं कि क्या उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1st January 2006 वर 800 एंड दोज रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर 400। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st December 2006 वर 1500 एंड दोज रिसीव्ड इन एडवांस वर 600। रेंट आउटस्टैंडिंग ऑन 1st January 2006 200 एंड ऑन 31st December 2006 वर 250।
अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, जिस जिस चीज़ से भी, जिस जिस आइटम से भी रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है, आप जो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है उसके आगे आप एक छोटा सा मार्क लगा सकते हैं। उससे हमें ये याद रहेगा कि जब भी हमें इसे रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद हमें इसे ट्रांसफ़र करना है। और वो एडजस्टमेंट जो आप करेंगे उसे आप वर्किंग नोट्स में दिखा सकते हैं। तो जैसे रेंट की हमें यहाँ पे गिवन है एडजस्टमेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग, जर्नल एक्सपेंसेस की गिवन है, प्रीपेड इंश्योरेंस की गिवन है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की गिवन है हमें, और ऑडिट फीस की गिवन है हमें, क्लब ओन प्रमिसेस वैल्यूड एट 30,000, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10,000 एंड कैश एंड हैंड हमें गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, पहले जिस जिस आइटम्स की हमें एडजस्टमेंट गिवन है उस आइटम की एडजस्टमेंट हम लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं वर्किंग नोट से, और उसके बाद हम उन्हें ट्रांसफ़र करके बाकी रिमेनिंग आइटम्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमें यहाँ पे जैसे सब्सक्रिप्शन की गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट है दैट इज़ 15,000 का हमें गिवन है। तो हम वर्किंग नोट्स में हमने लिखा सब्सक्रिप्शन गिवन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा कितना है 15,000। अब जैसे हमने बोला था कि उल्टा हम चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 2006 वर 800 एंड दोज रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर 400। तो 800 की सब्सक्रिप्शन आपकी आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग में, और सेम प्रीपेड जो है आपके 400 है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो आपकी लास्ट डेट में है ईयर क्लोजिंग में है दैट इज़ 1500 और दोज रिसीव्ड इन एडवांस वर 600। तो सब्सक्रिप्शन जो आपकी शो हो रही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसमें हमने ऐड किया जो हमारी ओपनिंग है 800, और रिसीव्ड इन एडवांस जो हमारी हुई है क्लोजिंग में 600 को हमने ऐड किया। लेस करेंगे हम क्लोजिंग की जो हमारी है ड्यू आउटस्टैंडिंग जो है क्लोजिंग की 1500, और जो रिसीव्ड इन एडवांस हुई थी हमारी दैट इज़ 400। तो ये जो अमाउंट है हमारा सब्सक्रिप्शन का आ गया, और इस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को हम शो करेंगे हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 14,500 को। देन नेक्स्ट जो हमारा गिवन है दैट इज रेंट आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी गिवन है 200 और ऑन 31 दिसंबर गिवन है 250। तो रेंट हमें गिवन है 2500, तो 2500 की एडजस्टमेंट, तो रेंट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2500 का आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 200 को हमने ऐड कर दिया, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड 250। इसे अब ये देखिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, हम नॉर्मली जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आइटम शो करते थे तो हम क्या करते थे, जो भी हमारा रेंट गिवन है आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसमें हम क्या करते थे, जो आउटस्टैंडिंग है एट द एंड उसे हम प्लस करते थे क्योंकि वो करंट ईयर से बिलोंग करता था। और यहाँ पे जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट का निकाल रहे हैं तो हम उसे माइनस कर रहे हैं, और जो बिगनिंग में हम लेस करते थे उसे हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। मतलब हम जब रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो हम यहाँ से यहाँ चलते हैं, और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो हम यहाँ से यहाँ चलते हैं। मतलब जो वहाँ पे प्लस होगा वो यहाँ पे माइनस होगा, जो यहाँ पे माइनस हो रहा है वो वहाँ पर प्लस होगा, और जो वहाँ पे प्लस हो रहा होगा वो यहाँ पर माइनस होगा। तो ये हमारा रेंट निकलाया, सेम तरीके से ऑडिट फीस, जर्नल एक्सपेंसेस और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम निकालेंगे। तो ऑडिट फीस हम देख लेते हैं कितने गिवन है हमें, यहाँ पे हमें गिवन है जर्नल एक्सपेंसेस इंक्लूड प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 100, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, एंड ऑडिट फीस हमें गिवन है 150 वॉज पेड फॉर 2005। तो यहाँ पे हमें ऑडिट फीस गिवन है, जर्नल एक्सपेंसेस गिवन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी गिवन है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग ऑडिट फीस जो हमें गिवन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग 1200, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को हमने ऐड कर दिया। देन जर्नल एक्सपेंसेस जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग गिवन है 1500, और प्रीपेड एट द एंड को हमने ऐड कर दिया। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो हमें गिवन है इनकम स्टेटमेंट में उसमें हमने ऐड कर दिया स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड कर रहे हैं और ओपनिंग स्टॉक को हम माइनस कर रहे हैं। जबकि अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते हैं तो हम ओपनिंग को ऐड करते हैं और क्लोजिंग को माइनस करते हैं, लेकिन जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से तो हम ओपनिंग को माइनस कर रहे हैं और क्लोजिंग को ऐड कर रहे हैं। तो ये आइटम्स आपकी यहाँ से एडजस्टमेंट्स हमारी हो गई हैं, तो इस एडजस्टमेंट को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देंगे। तो हमारा रेंट लिख दिया हमने, ऑडिट फीस लिख दी, जनरल एक्सपेंसेस हो गए,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गई हमारी. देन हमें यहाँ पे जो चीज़ गिवन है नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम कर चुके, ऑडिट फीस हो गया, जर्नल एक्सपेंस